मध्य प्रदेश के नागदा में राजा जन्मेजय की नगरी नागदा चंबल स्थित श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से गुरु महाराज की धर्म ध्वजा के तले चंबल मैया की यात्रा निकली। पिछले 30 वर्ष से जल लेकर कांवड़ियों के रूप में उज्जैन महाकाल महाराज का जलाभिषेक करते हुए नागदा से उज्जैन तक कांवड़ यात्रा निकाली गई। राम देवरा यात्रा करने वालों की व्यवस्था करने वाली समितियों का भी कांवड़ यात्रा के दौरान सभी को सम्मानित कर महाकाल मंदिर में गुरु महाराज का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। उसी के साथ सार्वजनिक जन्मेजय महादेव कांवड़ यात्रा के सभी सदस्यों ने धर्म की ध्वजा का सम्मान करने वाले व सहयोगियों का तहे दिल से आभार माना, जिसमें विशेष रूप से सार्वजनिक जन्मेजय महादेव कांवड़ यात्रा के सदस्य नरेंद्र रघुवंशी उपस्थित रहे। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। देखी थी बहुत बेकार परिस्थिति थी, तो 3-4 साल तक तो हमें ये नौबत आ गई थी कि एक बार तो पानी के लिए तरस गए थे। तो नागदा के बाद हनुमान जी का मंदिर बना, वहाँ पे स्थिति बहुत बेकार हो गई। तो दूध वाला भैया कोई था, वो गांव गया वापिस साइकिल से और पानी की केन भर के लाया, तो सबको पानी पिलाया। वो पहला साल था, उसके बाद से लेके आज तक गुरु महाराज ने ऐसी लहर बांध दी कि अब कोई भी उठ के रात को भी चला जाए ना तो उसकी चिंता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।